आज लागतेली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चुनावी सभा में हमारे अपने खान फकीर साहब, बलराम जी, सरपंच साहब भादरेस, मूढ़ा राम जी, पुष्पा जी, गोर्धन जी, मूढ़ा राम जी, सभी यहाँ पीछे मेरे बैठे सभी अतिथिगण, आप सामने विराजमान सभी ग्रामीण भाइयों, नौजवान साथियों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बात कही, 25 तारीख को चुनाव होने हैं और उस दिन आपको तय करना है कि आपके जनप्रतिनिधि किसको चुनना है, कौन सी पार्टी का होगा और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये आपको पूरे राजस्थान की जनता को 25 तारीख के दिन तय करना है। बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी 36 कौम के की मनसा अनुसार मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी घर बैठे टिकट, मुझे जयपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ा, नहीं बैठे बैठे मुझे कांग्रेस की टिकट दी कि टिकट कितनी कैसे मिलती है आपको पता ही है नहीं कि किस तरह से कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर तो आपके विश्वास पर मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी न कुछ करनी पड़ी, यहाँ घर बैठे मुझे प्रत्याशी बनाया। और बीजेपी में तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सबसे लास्ट 200वीं सीट जो बाड़मेर की, उसके लिए कितनी मारामारी, कितने धरने प्रदर्शन और अंत में क्या हालात हुआ वो आप सबने देखा, और वो निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ रहे। कहने का उद्देश्य है कि 5 साल में जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की शानदार योजना है, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, जिस तरह से अभी मेरे से सभी वक्ताओं ने वो बात कही, मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा हूँ कि आगे कार्यक्रम भी है, आप लोग जल्दी सवेरे आए हुए हैं, तो इतना शानदार काम हुआ कि विकास की बात करें, आपकी पंचायत अलग होगी, आपके 2 सीनियर सेकेंडरी या स्कूल होगी, 5वीं से 12वीं, कैसे 5वीं से 12वीं, और पास में आपकी वो भी दूसरी स्कूल, एक पंचायत में 2 स्कूलें होगी, मर्ज स्कूल हो एक नहीं उसको खोली भी हमने, सड़कें होगी, तो कहने का उद्देश्य है कि आपके यहाँ पूरे बाड़मेर विधानसभा में कोई काम की कमी नहीं रही, सबसे ज्यादा काम हुआ तो बाड़मेर विधानसभा में हुआ, चाहे 1700 किलोमीटर सड़कें कि आपके सामने, आप निकलते ही जालीपा के पास मेडिकल कॉलेज और उसके पास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 200 करोड़ का 5 मंजिल का, जिसमें सारे डॉक्टर, सारे विभाग जो यहाँ से अपन रेफर कर रहे हैं, यहाँ इलाज नहीं होता है, जोधपुर गुजरात जाते हैं, उन सबके लिए इस सुपर स्पेशलिटी में पूरी व्यवस्थाएं होगी, पूरी मशीनरी होगी, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा बाड़मेर की सबसे, ये जो जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी तरह अन्य कौम शिक्षा में देखो, 7 कॉलेज खोल दी बाड़मेर में, और बाड़मेर का अस्पताल देखो, बाड़मेर के और ब्रिज देखो, पुल देखो, शहरों में गांवों में मीठा पानी हिमालय का यहाँ आ गया, कोई सोचता था कि यहाँ पानी आएगा, 2008 में पहली बार मुझे एमएलए बनाया, मीठा पानी बाड़मेर में आया, और 300 ट्यूबवेल, 1500 हैंडपम्प, अब कितना काम हुआ उस अगर गिनती करें तो कोई उसका पार ही नहीं है, 10 शानदार योजनाएं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में लागू की, कैंप लगे सबको, उन कैंपों में उसका फायदा मिला, चाहे रसोई गैस की बात करो, चाहे आपके 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करो, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन की फ्री बिजली फ्री करने की बात करो, अन्नपूर्णा पैकेट की बात करो, आपके पेंशन बढ़ाई 500-750 से 1000 कर दी। जैन साहब, आदरणीय फकीर साहब, सम्मान्य मंच, आप सब वरिष्ठ जन युवा साथियों, साहब 25 तारीख को एक पर्व है, होली और दिवाली की तरह, और ये प्रजातंत्र का पर्व है, आप सबका, हम सब, हमारे हम सब का, और गरीब अमीर जात पात सब छोड़ करके सभी धर्मों के लिए एक समान अधिकार है, और ये संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है,
उसका उपयोग करके हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। और जनप्रतिनिधि किस प्रकार का चुनना है आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, सबका सबको लेकर के चले, सभी जाति धर्म सबको साथ लेकर के चले, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो और जरूरत पड़े वो सभी आवश्यक काम पूर्ण हो। हमारे सीएम साहब राजस्थान में अशोक गहलोत साहब और बाड़मेर में मेवाराम जी, वहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब थे जिन्होंने शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, विकास के लिए और गरीब के योजनाओं के लिए और गौ की सेवा के लिए जिसकी ठेकेदारी बीजेपी ने ले रखी थी उसके लिए गौशालाएं खोल करके उनको अनुदान दे करके गायों को बचाया और खूब पवित्र काम किया। तो ये ठेकेदारी कोई किसी की नहीं है, धर्म और जाति के नाम पर तो आजकल जो काम जो चला रहे हैं वो दरअसल पब्लिक का काम करना नहीं चाहते, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो धर्म और जाति की बात करते हैं और धर्म पर लड़ाने की बात करते हैं, फेक वीडियो बना करके और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं ताकि जनता आपस में भड़के, गरीब लोग आपस में लड़े, गरीब मुसलमान लड़े, गरीब हिंदू लड़े और उन नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप उनमें युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा ऐसे गुमराह नहीं हुए, 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके कांग्रेस को हाथ के निशान पर वोट दे करके विजयी बनावे। जय हिंद जय भारत। विधायक प्रिय विधायक और बैठा हुआ सामान्य मंच, निवेदन सबने किया, हम भी निवेदन कर रहे हैं। आप लोगों ने 5 साल का 15 साल का पीरियड भी देखा है, जिस शख्स ने 36 कौम की सुनी है वो आपके सामने है, हम सबको ज्ञात है। हमें क्या करना है, हमें जो वोट के वक्त में कार्यकर्ता होने का फर्ज निभाना है। कार्यकर्ता हम जब ही बनेंगे कि हम अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को जहां कहीं भी है वोट हमें कराना है। ये बार बार हम क्यों जुलूस रख रहे हैं कि हमें सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत है, हमारे देश के विकास की जरूरत है, हमारे गांव की विकास की जरूरत है। हमें समझना होगा और प्यार भाईचारे को निभाना होगा, ऐसे आदमी को आगे लाना होगा ताकि हम आगे भी बढ़ सके, हमारा देश और हमारा गांव आगे बढ़ सके। शुक्रिया, इसी बात से मैं इस मंच को धन्यवाद देना हूं। आप स्वागत के लिए तैयार रहें, और भी सभाएं हैं, वक्त बहुत जरूरी है। पंचायत के अंदर अपने बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान के विकास पुरुष, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा विकास राजस्थान के अंदर 200 ML है, सबसे ज्यादा बजट और सबसे ज्यादा विकास की योजनाएं कहीं आई है तो बाड़मेर में, विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में अपने हीरो मेवाराम जैन साहब के कारण आई है। और ये 3 बार पहले आपकी मार्गदर्शन और सहयोग से चुनाव जीते और MLA रहे, अब 4थी बार अपने बीच में आए हैं और आए हैं टिकट भी मिली है, तो न तो जयपुर गए न दिल्ली गए, घर बैठे ही टिकट मिली है और वो मिली है आपकी ताकत के पीछे। तो इस तरह जिसको विकास के नाम पर टिकट मिलती है, कई वोटों के लिए रोते हैं और कई विकास के लिए बात करते हैं, तो फर्क तो है ही है। तो अपन सच्चे दिल से SC ST OBC और अल्पसंख्यक, इनकी तो कांग्रेस ही है, असली कांग्रेस अपनी है, तो अपन तो भरोसा करें ऐसे अपने जो रात और दिन दौड़ते हैं। मैं भी फोन करता था कभी भी, हाँ मूल जी क्या बात है, मीटिंग में हूँ लेकिन जल्दी सुनाओ। अरे फोन भी उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि जल्दी सुना दो, जो बात कह रहे हो वो जल्दी सुना दो। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं देखा, मैंने खूब सारे नेता देखे, खूब सारे देखे, लेकिन अपने विकास के लिए मतलब रात और दिन एक करना। 5 काम है जो शिक्षा है, इलाज है, बिजली है, पानी है और सड़क है, ये 5 चीजें सबसे जरूरी है। और मैं ये दावा करता हूँ कि जिला शिक्षा अधिकारी रहा हूँ तो कोई कम तो नहीं, थोड़ा बहुत तो समाराम जैन जिंदाबाद, श्री मेवाराम जैन जिंदाबाद। लाखेटाली के प्रबुद्ध नागरिकों और आज की इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मेवाराम जी जैन साहब, प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी, और इस मंच पर विराजमान राजा
खान फकीर साहब और नौजवान साथियों, मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो आपसे एक ही दरख्वास्त करने आया हूं कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देकर भारी मतों से आदरणीय श्री मेवाराम जी को जिताकर भेजें। वक्त नाजुक है, कांग्रेस पार्टी का राज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी पार्टी है। सबको साथ में लेकर, 36 कौम को साथ में लेकर, जिस पार्टी की नीति सही है, जिसकी नीयत सही है और जिसके नेता सही है, तो हमें नेता को चुनना है। हमारे नेता आदरणीय मेवाराम जी है, जिनकी नीति भी सही है और रात दिन तक अपनी बात को सुनने वाले गरीब से गरीब लोग। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हमारी कौम सबसे गरीब है, मगर हमारी भी बात फोन करते तो ये उठाते हैं। तो ऐसे सख्त आदमी को हम इसलिए साथ आए, इस बुजुर्गी में हम नहीं घूमना चाहते थे। वोट आप है वो अपने घर में नहीं रखेंगे और मेवाराम जी के पक्ष में वोट दे करके और इनको जयपुर भेजना है। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे मेवाराम जी। और मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय रहीम खान सिपा साहब से,